तो दोस्तों मॉनिटर के अंदर जो SPO2 का सॉकेट होता है जहां पर हम SPO2 प्रोब को लगाते हैं, कई बार उसकी रिंग निकल जाने के कारण वो अंदर की साइड गिर जाता है, तो उसको वापिस से कैसे ठीक किया जाए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पर क्लिक कर दो ताकि मेरे हर एक ऐसे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों जब भी आपके मॉनिटर के साथ ऐसा होता है कि SPO2 का सॉकेट अंदर गिर जाता है तो उसके ऊपर की जो रिंग होती है वो आपको संभाल के रखना है। अब क्या करना है, मॉनिटर के दो स्क्रू जो है ऊपर की साइड है उस दोनों को खोल देना है, नीचे की साइड में जो दो स्क्रू है उसको भी खोल देना है। उसके बाद मॉनिटर में चारों ओर लॉकिंग सिस्टम होता है, तो आपको क्या करना है कि स्क्रू ड्राइवर अंदर डाल के उसको जोर से घुमाना है तो एक लॉक खुल जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर का फिर टॉप का, इस तरह से चारों चार लॉक खुल जाएंगे। लॉक खोलने के बाद सबसे पहले हमारा डिस्प्ले है उसको हटा देना है, तो दो स्क्रू आप खोल दोगे तो उसके बाद आपका जो डिस्प्ले है वो निकल जाएगा। जितने भी पार्ट्स आप खोलते हो तो उसके केबल सब कुछ संभालना है आपको। अंदर जो हमें दिख रहा है वो SPO2 का सॉकेट है जो अंदर गिर चुका है, उसको आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से या फिर लॉन्ग नोज प्लायर की मदद से, आपको कुछ भी करके आर्टरी फोर्सेप जो भी है उसकी मदद से उसको वही पर से वापिस लगाना है, जो होल है उसके अंदर से वापिस उसको फिट करना है। वो सॉकेट को आपको होल के अंदर से परफेक्टली बाहर निकाल कर जो येलो कलर की रिंग है उसको वापिस से लगा देना है। तो इस तरह से हम उसको वापिस से सही कर सकते हैं। जिस तरह से हमने मॉनिटर को ओपन किया है बस उसी तरह उसको बंद कर देंगे, डिस्प्ले लगा देंगे, मॉनिटर का कवर भी हम उसको लॉक कर देंगे और उतने दोनों स्क्रू ऊपर और नीचे से जो हमने निकाले है वो वापिस से लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा मॉनिटर रेडी हो चुका है, कम्प्लीटली हमारा SPO2 भी आ रहा है और प्रोब सॉकेट में लग भी रहा है। इस तरह से दोस्तों आप अपने मॉनिटर को भी सही कर सकते हो, ऐसा कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है वो आप खुद भी कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मेरे हर एक ऐसे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले नए ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।